स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल क्लिप्स एंड फैक्ट्स में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मेले की सैर पर लेकर चलूँगा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ओतप्रोत है। यह एक ऐसा मेला है जिसका कि इंतज़ार लखनऊ वासियों को पूरे साल रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कतकी मेले की। डालीगंज का यह जो कतकी बुड़क्की मेला है जिसको कहते हैं, आज मैं इस वीडियो में डालीगंज के इसी ऐतिहासिक कतकी बुड़क्की मेले से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप सभी से साझा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों यह जो कतकी बुड़क्की मेला है डालीगंज में, जो कि लगता है काफ़ी पुराना है, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और इस यह जो मेला है इसका आयोजन अभी करीब दो चार सालों से, पाँच साल से यह जो गोमती नदी के किनारे इसका आयोजन होता है, जो झूले लाल पार्क है यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है और इसका इंतज़ार लोग पूरे साल करते हैं। दोस्तों हनुमान सेतु के ठीक पास में ही यह जो झूले लाल पार्क है इसी में इसका आयोजन होता है। और इसकी डेट की बात करें इस कतकी मेले की, तो यह कार्तिक पूर्णिमा से एक्चुअली शुरू होता है और मकर संक्रांति तक चलता है करीब करीब 45 दिन और इस बार यह 18 नवंबर से लेकर के 5 जनवरी तक इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और यह शाम का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यह कतकी मेले का, लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़। और बात करें जो मेले का जो स्वाभाविक स्वरूप है, जिस मेले की हम कल्पना करते हैं, तो ये उसी तरह का मेला है, कहें तो बिल्कुल असली स्वरूप है मेले का, जिसमें कि आपको 5 रुपये में भी आप बहुत सारी सामान खरीद सकते हैं। 5 रुपये से लेकर के 5,000 तक की सामान जो भी आप चाहें यहाँ पर, और ख़ास करके जो घर के सामान है, घर गृहस्थी की सामान है, जो मौसमी सामान है, अचार के बर्तन हों, ग्लास और प्लेट्स, ये सारी चीज़ें एक वाजिब दाम में यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं ये खुर्जा की पॉटरी, खुर्जा का जो चीनी के मतलब एक कह लें तो मेले का जो करीब 30% भाग है वो खुर्जा के चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसी से भरा हुआ है। यहाँ पर जो मैंने पता किया, मतलब 10-10 रुपये में एक एक कप है, 60 रुपये के 6 कप, इस तरह से चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। काफ़ी वाजिब दाम में आपको किफ़ायती पैसे में अच्छी सामान यहाँ पर मिल जाती है। और लोगों की ज़रूरत की यहाँ पर हम बात करें, जैसे बड़ा मेला होता है वहाँ पर ब्रांड होते हैं, अलग अलग फूड जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर जो एक्चुअल मेले का स्वरूप है यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है, कोई उस तरह का दिखावा नहीं है। एक तो ग्रामीण स्वरूप जिस तरह से कहें, जहाँ पर आपको छन्नी, चौके, बेलन, ये सब कुछ एक जो कहते हैं कि घर में ज़रूरत होती है, बर्तन है, कढ़ाई है, आपके लकड़ी के सामान हैं, ये देख सकते हैं। सहारनपुर के भी काफ़ी स्टॉल यहाँ पे मैंने जो देखा, 5-7 स्टॉल सहारनपुर के बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको घर की डेकोरेटिव आइटम से लेकर के और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर, फ्लावर पॉट्स और ये सब चीज़ें 2,500 से लेकर के 5,000 तक की भी लकड़ी के आइटम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जो मैंने पहले भी कहा कि जो मेले का असली स्वरूप है, अगर इसको इसी तरह से रखा जाए, ग्रामीण स्वरूप का एक लुक इसमें आता है और वही यह कतकी मेले की खास बात है। और इसीलिए लोगों की भीड़ भी यहाँ पर, जो लोगों का हुजूम है यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर उत्पाद, अलग अलग जो जिले हैं, जो आसपास के जिले हैं प्रदेश के, वो अपना यहाँ उत्पाद लेकर के आते हैं। और जो खुर्जा के बर्तन, और आप देखिए ये हर माल 5 रुपये, ऐसे भी शॉप्स हैं जिसमें 5 रुपये कोई भी सामान लीजिए 5 रुपये, ये देखिए हर माल 15 रुपये, कोई भी सामान लीजिए 15 रुपये की, तो इस तरह की कई सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। पूरा इसी ये जो मेला है वो इसी तरह की शॉप से भरा हुआ, जिसमें कि एक दाम जैसे कहते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, इस तरह से कोई भी आप आइटम, उसमें से कोई भी उत्पाद, आप कोई भी सामान लें और वो उसका वो 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी उस पर लिखा है शॉप पे, उसी दाम में आपको मिलेगा। तो लोगों की खूब खरीदारी यहाँ पर, लोग जो है शाम में आप देखिए लोगों का हुजूम, एक तो ये गोमती का किनारा है, माहौल भी बिल्कुल उपयुक्त है और मेले के लिए तो परफेक्ट है यहाँ पर, और इसमें लोग इसीलिए जाना पसंद करते हैं।
मेनली जो मैंने देखा खुर्जा के जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वो काफ़ी लुभावने यहाँ पर इस समय, और बहुत मात्रा में बहुत सारे स्टॉल्स हैं खुर्जा के, और इसको लोग यहाँ से इसकी काफ़ी मैंने देखा लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें बैंगल्स की चूड़ियों की या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, इस तरह की भी कई सारी शॉप्स हैं यहाँ पर इस मेले में लगी हुई हैं और इस पर भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिए राजस्थान और जयपुर की ये स्वीट सुपारी और हाजमा चूरन की ये शॉप्स है, यहाँ पर भी अलग अलग तरह की जो चूरन हैं अलग अलग गोलियाँ हैं, जनरली हर मेले में आप देखते होंगे यहाँ पर भी इसका भी स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से इसको भी आप खरीद सकते हैं। और इसमें जो खास बात मैंने देखी यहाँ जो ये जयपुर की ये जो हाजमा चूरन की ये जो शॉप है इसमें स्टॉल है जो इस पर ये देखिए सूखा पान है जिसको कि आप खाने के बाद अगर आपको ताज़ा पान नहीं मिलता है तो सूखे पान से भी काम चला सकते हैं। ये भी मुझे बड़ा यूनिक लगा कि सूखे पान का भी ये है जो कि पाचक की तरह काम करता है और इसको भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। 100 रुपये का 100 ग्राम है ये जो मैंने दाम पता किया, बाकी अनारदाने और ये सब जो हैं 50 रुपये के 100 ग्राम हैं। तो इस तरह से मेले में जो आपको चाहिए आप सामान भी खरीद लें, आपका एक मनोरंजन भी हो जाए, एक झूले हों, स्विंग, स्लाइड्स और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हों, तो ये सब कुछ एक ही जगह, एक मैंने जैसा कहा ग्रामीण मेले का जो स्वरूप होता है उसी तरह से ये इसको आयोजित किया जाता है और यह स्वरूप बरकरार भी रहना चाहिए। इस पर आधुनिकता की छाप अभी तक तो नहीं पड़ी है और लोग इसीलिए शायद इसको पसंद करते हैं और लोगों को इसी का इंतज़ार भी रहता है। यह देखिए ये घेवर और बहुत सारी मिठाइयों की शॉप्स यहाँ पर लगी हुई हैं। इसके अलावा ये देखिए शाही हलवा जिसको कहते हैं पराठा हलवा, बड़ा यूनिक तरह का, हर जगह इस तरह से नहीं मिलता है ये भी इसकी भी काफ़ी यहाँ पर डिमांड है, लोग इसको भी खूब चाव से खा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन की बात करें, झूले हों, स्लाइड्स हों, छोटे बच्चों के लिए झूले हों, बड़ों के लिए हों, अलग अलग तरह के झूले की तो भरमार है, बहुत सारे झूले यहाँ पर लगाए हुए हैं और आप इस पर जाकर के बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं सब लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और यह 45 दिन चलता है, काफ़ी लंबा यह कत्की मेले का आयोजन काफ़ी लंबा हर साल यह चलता है और लोग इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों एक बार यह जो कत्की मेला बुड़की मेला है जिसको कि डालीगंज का मेला भी कहते हैं, कार्तिक मेला भी कहते हैं इसको, तो इसका आनंद आप एक बार जा करके उठा सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में इस कत्की मेले से जुड़ी हुई जानकारी आपसे साझा की, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।